डिवीजन कमीशन. आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी प्रोविजन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप हमें लाइव अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं. हमारा एक्स हैंडल है @edutv_AGC और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_AGC. आज की कचहरी का टॉपिक है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी पॉलिसी प्रोविजन एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. नाजरीन, AGC पाकिस्तान अब तक कई तालीमी प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है जिनमें ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स, डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम, पाकिस्तान रिसर्च रेपोजिटरी, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क यानी कि पर्न और कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह शामिल हैं. इसके अलावा बहुत सी पॉलिसियां भी मुतारिफ कराई गई हैं जिनमें ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी, इंटर एम्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेश PhDs, रिसर्च एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह शामिल हैं. अब AGC की जानिब से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी का आगाज किया गया है जो तलबा को मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने का और तलबा को अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम हासिल करने का मौका देगी. इस पॉलिसी के मुताबिक मखसूस अहलियत की शराइत के साथ यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन तालीम के आगाज की इजाजत दी जाएगी. ये पॉलिसी हर यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन और फासलाती तालीम फराहम करने का पाबंद नहीं करती लेकिन इनकी इन यूनिवर्सिटीज के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करती है जो इन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहती हैं. इसका मकसद तलबा के मफादात का तहफ्फुज और सस्ती तालीम और वसाइल फराहम करना है. इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल कयूम और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद, IT मेंबर हैं IT डिवीजन ऑफ AGC, डॉक्टर उबैदुल्ला अनवर डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन. इन्हें वेलकम करते हैं. सबसे पहले हम वेलकम करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर जियाउल कयूम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. बहुत शुक्रिया जी. सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत मेहरबानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. ओके, तो आज के हमारे जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी प्रोविजंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो ये सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी है क्या और ये पॉलिसी प्रोविजन और फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी बहुत शुक्रिया. एक ऐसे मौजू पे आज हम बात करने जा रहे हैं जो इस 21वीं सदी जो टेक्नोलॉजी की सदी है जो जिंदगी के मुख्तलिफ जो फेसेट्स हैं हमारे उनको कहीं ना कहीं जरूर इम्पेक्ट करती है और एजुकेशन बहरहाल को एक्सेप्शन नहीं है. और दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग के फिनोमेना को अगर हम एक तरह से अंडरस्टैंड हम करते हैं तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक तसव्वुर हमारे जहन में है बहरहाल उसको भी ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी ताकि क्वालिटी एजुकेशन का जो एक एक रिक्वायरमेंट है जो हम जब किसी भी तालीमी निज़ाम की बात करेंगे ख्वाह वो फेस टू फेस एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन से लेके आप टर्शरी एजुकेशन तक चले जाएं तो बेसिकली ऐसे स्टैंडर्ड्स आप जरूर तय करते हैं, ऐसी पॉलिसी जरूर डिवाइस करते हैं जो कि गवर्न करती हैं उस फिर तालीमी निज़ाम को जो इन अ वे फिर असर्टन करती हैं कि तलबा तालबात को मेयारी तालीम जो है वो मुहैया की जा सके, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव किए जा सकें और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इवन कंप्लायंस पे भी हों. तो उस सिलसिले में जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा AGC एक रेगुलेटरी इदारा भी है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी बहरहाल स्टैंडर्ड्स तय करना है, पॉलिसीज देना है. और AGC ने पिछले बहुत अरसे में कम बेश दो दहाइयों में मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ पॉलिसीज को फर्स्ट टाइम भी दिया और फिर उसके बाद उसकी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट भी रही. पिछले कम बेश दो तीन महीनों में हमने एक फिर दोबारा से एफर्ट शुरू की कि वो पॉलिसीज जो हमने फ्रेम की थी कभी किसी अरसे में क्या जो एक इंटरनेशनल कह लें रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लोबल सिटीजन्स विच आर ग्लोबली कंपेटिटिव एज वेल, क्या हमारी पॉलिसियां इस तरह के ग्रेजुएट पैदा करने में मुमेद और मुआवन हैं और यूनिवर्सिटियों को किस तरह से एनेबल किया जा सकता है ताकि हम अपनी ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर सकें. जिसके लिए जैसे आपने कहा कुछ तो फैसिलिटीज़ हैं जो एक्सटेंड करती है AGC टूवर्ड्स हायर एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी, पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी और इसी के साथ बहरहाल क्वालिटी एश्योरेंस की पॉलिसी भी डिज़ाइन हुई जो रिसेंटली अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड होगी.
और हमने यहाँ पे फिर गुफ्तगू शुरू की कि जो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन है वो एक एक्सेप्शन इस तरह से था कि हमारे मुल्क में एटलीस्ट पहले सिर्फ दो इदारे थे जो फासलाती निज़ाम तालीम या ऑनलाइन एजुकेशन में काम करते थे, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने इस ऑनलाइन एजुकेशन का एक फ्लेयर लिया जब कोविड का दौरानिया रहा, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हमें उसको ऑनलाइन एजुकेशन मोड में शिफ्ट करना पड़ा। तो वो ये एक बहुत मुनासिब वक्त है जिसमें हम ये स्टैंडर्ड्स तय करें कि वो कौन से फ्रेमवर्क होगा जो गवर्न करेगा फिर उसी तरह से ओपन डिस्टेंस लर्निंग को एग्जीक्यूशन जो भी करना चाहें यूनिवर्सिटियां इस मोड में पढ़ाना चाहें, ताकि जो एक आम अमूमी तौर पे खदशात लोगों के जहन में हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन शायद एक अल्टरनेटिव वे ऑफ एजुकेशन तो है, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सेकेंड कैटेगरी एक है या सेकेंड रेटेड, अगर मैं माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, मोड ऑफ एजुकेशन है। लोगों की अप्रीहेंशंस हैं, एम्प्लॉयर्स की भी, लर्नर्स की भी, और एक जनरल परसेप्शन बहरहाल सोसाइटी में भी है। तो इसलिए हमने ये मौजू ख्याल किया कि हम इसका भी एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं जो कि गवर्न करे उसी तरह से जैसे फेस टू फेस एजुकेशन के हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि पुरानी पॉलिसी में ही कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो पुरानी पॉलिसी में और नई पॉलिसी में क्या फर्क है और इन तब्दीलियों की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, पुरानी पॉलिसी कहना एक तो ये है कि पॉलिसी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है मेरी दानिश में मेरे तई। कोई भी चीज हम किसी भी स्टेज पे ये कह के नहीं कह सकते कि ऑल इज डन एंड देयर इज नो रूम फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये बात भी साथ जरूर कही जानी चाहिए कि पॉलिसी को एक वेल थॉट ऑफ प्रोसेस के बाद रिलीज करना चाहिए ताकि हमें उसकी बहुत फ्रीक्वेंट जो इटरेशंस हैं वो ना करनी पड़े। जो प्रीवियस वर्जन हमने लॉन्च किया था वो बेसिकली कोविड के दौरान जो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी हमारी, जब सारी यूनिवर्सिटियां जो प्रिपेयर्ड थी या प्रिपेयर्ड नहीं भी थी इन अ वे ऑनलाइन एजुकेशन में तालीम देने के मोड के लिए, तो बहरहाल वो जरूरत उस वक्त ऐसी थी जिसपे बिल्कुल एक इमरजेंसी बुनियाद पे कुछ मिनिमल फ्रेमवर्क तय करने की जरूरत थी जो यूनिवर्सिटियां बहरहाल जिसकी कंप्लायंस इंश्योर करें, जिसमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एक कंपोनेंट था। लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे और आपके सुनने वाले देखने वाले इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब हम तालीम लेक्चर देने की और लर्नर का लर्निंग एक्सपीरियंस इन्हांस करने की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन चूंकि एक डिफरेंट मोड है जिसमें आपके पास जो एक फिजिकल कह लें प्रेजेंस ऑफ द लर्नर जो है वो नहीं है, तो हमें टीचर्स की भी उस लर्निंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो क्या फैकल्टी स्किल्स चाहिए, जो एक पेडागोजिकल स्किल्स चाहिए जो फैकल्टी में हो, इदारों को जब उस ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाए तो वो कौन सा फ्रेमवर्क है, और स्पेसिफिकली उस बात को जहन में रखते हुए जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गुजारिश की कि हमने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क अदरवाइज भी डिजाइन किया है जो मल्टी लेवल है, 5 लेवल है डॉक्टर बैच मेरा ख्याल है। तो हमने ये चाहा कि ये तफरीक भी खत्म हो, सेम करिकुलम पढ़ाया जाएगा फेस टू फेस मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी, जो HEC जिस तरह से करिकुलम्स को स्टैंडर्डाइज करती है, पढ़ाने के अंदाज के फर्क में भी हमने सिर्फ इसको अलाइन फिर अब कर रहे हैं कि जो नया फ्रेमवर्क हमने क्वालिटी एश्योरेंस का डिजाइन किया है, फिर ऑनलाइन एजुकेशन जो इवेलुएट होंगे उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज, तो हमने इसी फ्रेमवर्क पे उनको मैप करने की कोशिश की है और उसका एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट जो हमने इवॉल्व किया है, जो इसलिए उसमें थोड़ी सी आइट्रेशन हुई है और इंशाल्लाह आजकल हम उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से उस पर फीडबैक ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद हफ्तों में हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी HEC की एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ इंशाल्लाह उसको यूनिवर्सिटियों में अनाउंस लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इस पॉलिसी का मेन फोकस किस चीज पर है? देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे तई जो लर्निंग लर्नर का लर्निंग एक्सपीरियंस इन्हांस करने वाला, ये मेरे तई ये हमारी बेस लाइन है। और ये बात मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ फिलहाल ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का मोड है इसमें बहुत एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं थी। इस बात को समझने की जरूरत है कि जब उसका कंटेंट भी डिजाइन किया जाता है तो उसका कंटेंट भी सर्टन कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को जहन में रखते हुए डिजाइन किया जाता है। फिर पढ़ाने वाला भी कोई डिजिटल फॉर्म में स्लाइड्स को ही अगर हम प्रेजेंट कर देते हैं किसी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए से तो ये ऑनलाइन लर्निंग की जुजियात पूरी नहीं करता। फिर इसी तरह से उसकी असेसमेंट की अपनी पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट्स हैं।
और फिर उसके बाद उन एक्टिविटीज को इवैल्यूएट करना भी कि क्या वो जो हमने लर्निंग आउटकम्स तय किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, तो उनको इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क आपको वो टूल्स और पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो इवैल्यूएट हो सके। तो बुनियादी तो मकसद सिर्फ यही है कि जो एक एप्रीहेंशन है ओपन डिस्टेंस लर्निंग के बारे में, लोगों के जहन में खदशात हैं कि ये एक रिलेटिवली सब स्टैंडर्ड मोड ऑफ एजुकेशन है, हम उसको इस पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए से असर्टन करना चाहते हैं कि ये तासर दूर होना चाहिए उन बच्चे बच्चियों के लिए जो इस मोड ऑफ एजुकेशन में पढ़ेंगे, उन पे कोई कह लें कोई उंगली ना उठाता और वो बड़े कॉन्फिडेंटली इसमें एनरोल हो सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस पॉलिसी की अहल हैं, मतलब एलिजिबल हैं, और इन यूनिवर्सिटीज को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, उसमें जैसे आपने भी शुरू में कहा, एक जो इससे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन हुआ वो यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर किया गया था, यूनिवर्सिटी ने उस पर अपना फीडबैक दिया, और अभी जो हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं उसको इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटियों के साथ दोबारा शेयर करेंगे। जो एलिजिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिनके एक्ट में ये प्रोविजन मौजूद है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से अपनी तालीम की सरगर्मियां या एजुकेशन देने की जो एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो प्राइमरीली तो वो बहरहाल पहले सबसे तो वो एलिजिबल हैं। दो यूनिवर्सिटीज पहले पाकिस्तान में थी, जैसे मैंने कहा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब उसके बाद बहुत सारी कुछ नई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कुछ पुरानी यूनिवर्सिटियां भी हैं प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में, जिनके एक्ट या ऑर्डिनेंस में ये प्रोविजन मौजूद है। हम सिर्फ उनको फ्रेमवर्क देंगे कि आप जब उसके लिए ये एक्टिविटीज शुरू करेंगे तो हम एक रूब्रिक डिजाइन कर रहे हैं जिसके जिस पे वो हमें डेटा मुहैया करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे। हम उस डेटा की बुनियाद पे डेस्क ऑडिट करके उन यूनिवर्सिटियों को, और ये सारा ऑटोमेटेड अंदाज में हम करेंगे, मिनिमल टाइम में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, और उन यूनिवर्सिटियों को इजाजत देंगे, एक तरह से एनओसी देंगे कि आप ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो पूरा पैराफर्नेलिया है उसका, जो रिक्वायर्ड होगा, कोर्स डिजाइन किस तरह से होगा, तो क्या उनके पास उस तरह की सहूलतें मुयस्सर हैं, टेक्नोलॉजी की क्या मिनिमल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या उनके पास मुयस्सर हैं, जो असेसमेंट का फ्रेमवर्क हम साथ देने जा रहे हैं कंबाइंड विद क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क, क्या उनके पास वहां पे उस तरह की कह लें डिपार्टमेंट्स एनेक्टेड हैं जो इन एक्टिविटीज को एक्सक्लूसिवली परफॉर्म करेंगे, फैकल्टी की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। सो वो सारी चीजें जब हम असर्टन कर देंगे तो वो यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन एजुकेशन में अपनी तालीम के लिए लोगों को एनरोल कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इकदाम किए जाएंगे जीसी की तरफ से? देखिए, मैंने जैसे गुजारिश की कि हम एक जर्नली एक एटीसी में उस पर किसी और दिन आपसे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, हम एटीसी के लिए भी अगले 10 से 15 साल और 20 साल का एक विजन 2050, बहरहाल एटीसी में चेयरमैन साहब की डायरेक्शन पे हम एक 2050 विजन जो है एटीसी का भी बना रहे हैं कि अगले आने वाले 20 से 25 साल में हम अपने हायर एजुकेशन सेक्टर को कहां देखना चाहते हैं। वो तय करने के बाद फिर उसको अचीव करने के लिए उन टारगेट्स को जो एचईसी को एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हैं, यूनिवर्सिटियों को एनेबल करना है, फैकल्टी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो फिर अलाइड रिक्वायरमेंट्स को ताकि पूरा किया जा सके। इस केस में भी जैसे मैंने गुजारिश की कि देखें, यूनिवर्सिटियां ट्रेंड हैं और हम नहीं चाहते कि हम माइक्रो मैनेजमेंट करें इदारों में जाके। यूनिवर्सिटियां ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम कंपिटेंट हैं, क्वालिफाइड हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स देंगे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहबान से गुजारिश करेंगे इस ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी कि ये वो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंश्योर करना है कि अचीव किए जाएं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं कोर्स डिजाइन और कोर्स डेवलपमेंट की, ये रिक्वायरमेंट्स हैं टीचर स्किल्स की, ये रिक्वायरमेंट्स हैं असेसमेंट की, इनको जब आप पूरा करेंगे वाइस चांसलर हमें उसकी एक असर्टेनिटी देंगे तो हम इंटरफियर नहीं करना चाहते। हम ट्रस्ट पहले भी करते हैं, अगर वो फेस टू फेस एजुकेशन में वही बेस्ट लोग हैं जो तालीम के इन एक्टिविटीज को जारी रखे हुए हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी बहरहाल उन्हीं पैराफर्नेलिया में जो यूनिवर्सिटियों में मौजूद है, असातिज़ा किराम है, सिर्फ वो कॉम्प्लीमेंट होगा
ताकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जो यूनिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, और वो जैसे मैंने गुजारिश की उसके हम सेक्शन वाइज हम साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे जो फर्दर डिटेल्स रखता होगा कि कोर्स डिजाइन से हमारी मुराद क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन से हमारी मुराद क्या है, किस तरह का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन किस तरह के कोर्सेज के लिए रेलेवेंट हो सकता है. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर एमिंग एट व्हेन वी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट फॉर दिस ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी. तो वो किससे कंसल्ट करें इन सब क्वेरीज के लिए जो उन्हें सवाल आते हैं? जो इसका कस्टोडियन है हमारे HEC में वो क्वालिटी एश्योरेंस का जो हमारा डिवीजन है वो इसका कस्टोडियन है, और उन्हीं की लीडर कह लीजिए लीडरशिप में, उस डिवीजन की लीडरशिप में वो एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कन्वर्सेशन है, और उसमें फिर हमारे विद इन HEC भी जो हमारा डिवीजन ऑफ IT है वो उसमें बड़ा एक क्लीदी किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया करनी है HEC की तरफ से यूनिवर्सिटियों को वो बहरहाल IT डिवीजन एनेबल करेगा. इसी तरह जो हमारा एकेडमिक्स डिवीजन है वो उसका जो करिकुलम वाला सेक्शन है, जो एकेडमिक रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें अपना इनपुट दे रहा है. क्वालिटी एश्योरेंस प्राइमरीली इसका कस्टोडियन है, लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की क्योंकि इन्होंने एक फेस टू फेस मोड के लिए क्वालिटी एश्योरेंस का नया फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जो हम इंशाल्लाह Fall 2024 से लॉन्च भी करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में. अदरवाइज भी उसकी ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में शुरू हो जाएंगी. 3-4 महीने में हम ट्रेनिंग्स देंगे, उसका पायलट करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह Fall 2024 से वो यूनिवर्सिटियों से गुजारिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें. एंड सो इज विद दिस क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग एज वेल. जी हमारे मेंबर IT इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं वही, मेरा अगला सवाल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही था. टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो इकदाम किए जाएंगे उनको ये किसकी जिम्मेदारी है? IT डिपार्टमेंट की, IT डिवीजन की? अच्छा, उससे पहले तो सर डॉक्टर साहब ने तो वो एक्सप्लेन किया वो डिटेल में. मेरे ख्याल में दो जो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये है कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन मोड ऑफ डिलीवरी जो है ना वो चेंज हो जाती है. फेस टू फेस में तो टीचर क्लासरूम में होगा तो उसमें बॉडी लैंग्वेज भी है, वो सब कुछ यानी सब कुछ विद इन वन क्लासरूम है. उस केस में जो डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन एजुकेशन है उसी में मोड ऑफ डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेंज हो जाती है. उसको हमें देखना होगा, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ना कवर करेंगे तो कई टेक्नोलॉजीज के ऑप्शन है. उसी को शायद किसी ने यूनिवर्सिटीज में उसको देखना होगा कि उसका प्रिपरेशन है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन है तो उसी को अलाउ किया जाएगा. सेकंड जो है जो शायद इम्पॉर्टेंट हुआ है वो ये है कि फेस टू फेस में जो आउटकम्स होना चाहिए वो डिस्टेंस लर्निंग में भी वही आउटकम होना चाहिए. तो उसी के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि क्वालिटी के जो हमारे सेक्शन है वो अपने एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी कुछ ना कुछ ने बना लिया, शायद 90% तैयार है. उसी फ्रेमवर्क को लेके यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर करेंगे कि आप फेस टू फेस में जिस तरह आपने सपोज कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है या कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है उसको अगर आप डिलीवर करें थ्रू ऑनलाइन तो फेस टू फेस में जो आउटकम था वही आउटकम होना चाहिए, क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा. तो ये दो चीजें विल मेक इट श्योर. टेक्नोलॉजीज में तो आई थिंक HEC ने काफी जो है एडवांसमेंट की. एक तो ये है कि डेटा सेंटर्स दो नए स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर्स इसी वक्त अंडर डेवलपमेंट है, एक कराची में है एक लाहौर में है. इमीडी कराची में भी है एक जो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, शायद ये हार्ड साउथ एशियन कंट्री में शायद एक यूनिक होगा, और लाहौर में UT लाहौर में एक डेटा सेंटर है. ये दोनों तकरीबन फाइनल स्टेजेस में आई एम श्योर कि इस साल के आखिर तक ये भी ऑपरेशनल होंगे. इसमें काफी ह्यूज स्टोरेज है, इसमें क्लाउड भी होगा, HEC का अपने क्लाउड होगा, तो यूनिवर्सिटीज को इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं होगा एक्सेस करना. और हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबिलिटी ऑलरेडी आपको पता है पान का, इस वक्त हमारे पास कुछ 6,000 किलोमीटर तक वो है टोटल, उसका जो लेंथ है फाइबर ऑप्टिक्स का कोई 400 साइट से 70+ सिटीज में इस वक्त HEC का अपना फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क है. ये शायद यूनिक है, शायद किसी भी मुल्क में ऐसा कहीं होगा, बट नहीं नजर इसलिए नहीं आया क्योंकि जमीन के अंदर है तो लोगों को नजर नहीं आया, लेकिन ये बहुत यूनिक है. आई इतना आई वांट टू थैंक कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी पर्न कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. बिल्कुल. तो एक ये और इसके अलावा एक और नए जो है ना वो अभी बन गए, 100 स्मार्ट क्लासरूम बना लिए, 100 स्मार्ट क्लासरूम. अभी एक महीने पहले ED साहब ने उसको इनागुरेट किया किम फॉर्मली उसमें एक सेशन में 88 क्लासरूम. उसी वक्त तो जब ED साहब थे तो लाइव थे रियल टाइम में, देयर वाज मतलब उसमें 4,000 टोटल 5,000 VDMI है. ये दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी.
तो आप एट ए टाइम अगर इस्लामाबाद से चीसी में बैठ के तो आप 5,000 स्टूडेंट को लेक्चर दे सकते हैं, और उसमें आप क्विजेस भी करवा सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं, और स्पेशली उसका जो एडवांटेज होगा लैब्स, वर्चुअल लैब्स का कंसेप्ट कभी पॉसिबल होगा, तो सब स्मार्ट क्लासरूम से। और इस चीसी का इंशाल्लाह प्लान है कि अनदर ये सीपैक के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर था, शायद 1,000 करोड़ का प्लान है, लेकिन वो कितना सालों में होगा, 3 या 4 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान में 1,000 स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, तो उसके एट ए टाइम 50-60,000 स्टूडेंट कनेक्ट हो सकेंगे रियल टाइम उसमें। बाकी जो हमारे वीडियो कॉन भी है वो अगेन 114 यूनिवर्सिटीज में वीडियो कॉन है, और आपको पता है जूम और एमएसटीन और ये सारे तो अवेलेबल भी है टेक्नोलॉजीज, नेट मीटिंग का भी है। तो इस वक्त टेक्नोलॉजी का इशू मुझे नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी का इशू होगा यूनिवर्सिटीज के पास, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के स्पेशली टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज जो है, अगर हम पहले 25-30 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें और वो ये प्रोग्राम ऑफर करें, तो वो सी यूनिवर्सिटीज में आई डोंट सी एनी इशू विद द टेक्नोलॉजी। अब इसी का सपोर्ट तो होगा, इस इसी में काफी इस वक्त शायद जो टॉप मैनेजमेंट है एक बहुत ज्यादा सारे एक्स वाई शास्त्र है, तो देनो कि अदर साइड ऑफ स्पीशीज है कयूम साहब है, तो इसके दो वो है शायद, एक तो ये आईटी का है, दैट इज आईटी का एक्सपर्ट है, दूसरा ये अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी को 4 साल ये वीसी भी रहे, एक सक्सेसफुल वीसी भी रहे, तो ये दोनों नॉलेज उसके साथ मिलके, उसके साथ फिर हमारी टीम भी है, सारे लोग इंशाल्लाह मिलके, तो ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा पाकिस्तान यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर पॉलिसी की तरफ वापस आते हैं। मेरा सवाल है डॉक्टर उबैदुल्ला अनवर साहब से कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिहाज से असातिज़ा के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या मौके फराहम किए जा रहे हैं? जी, आपका ये ओडीएल पॉलिसी के हवाले से? जी, ओडीएल पॉलिसी अपने अंदर एक प्रोविजन रखती है कि जब भी जो भी उसातिज़ा होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उनको जब स्पेसिफाई किया जाएगा ऑनलाइन प्रोग्राम्स या डिस्टेंस इस पॉलिसी के तहत सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त यूनिवर्सिटी जो है वो कितने प्रोग्राम जो लॉन्च करती है और क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके मुताबिक ही वो डिटरमिन होगा उस वक्त कि किस प्रोग्राम के लिए कितने उसातिज़ा चाहिए होंगे और उनको जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी क्या होंगी। बहरहाल पॉलिसी ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर करती है। उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं मैडम, आप सिर्फ एक मिनट के लिए। जी जरूर। देखिए, ट्रेनिंग एक फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। एजीसी ने जो नेशनल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को रिवाइव किया, रीनेम हुआ और रिवाइव हुई, ना ही ऑलरेडी भी अब मुख्तलिफ जो टीयर्स ऑफ मैनेजमेंट हैं और फैकल्टी है, नए फैकल्टी मेंबर्स इवन जो यूनिवर्सिटियां हायर करती हैं, इंटायर एम्प्लेसमेंट पे जो फैकल्टी मेंबर्स जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, उनकी ट्रेनिंग पे ऑलरेडी काम चल रहा है। हम उनके साथ एक्चुअली उनको एक कह लीजिए, जब ये पॉलिसी फाइनलाइज होती है तो अपना रोड मैप प्रिपेयर करेंगे, और हमारी ख्वाहिश ये है कि इसकी ओनरशिप जो है और लीडरशिप यूनिवर्सिटियां खुद लें। जो यूनिवर्सिटीज मोड ऑफ एजुकेशन में जाना चाहती है, जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हम गुजारिश करेंगे यूनिवर्सिटियां पूरी करें, हम एनेबलर के रोल में उनको सपोर्ट करेंगे, रेगुलेटर के रोल में पॉलिसी देना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम देंगे। उसके बाद हम एनेबलर्स हैं, हम बिल्कुल उसको मॉनिटर भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि मोड ऑफ एजुकेशन प्रमोट हो ताकि हम एक्सेस रेट ऑफ पाकिस्तान इंप्रूव कर सकें, जो कि बहरहाल इवन इस रीजन में लोएस्ट है इस वक्त भी बहुत सारी काविश के बावजूद। और दूसरा ये है कि मास्टर ट्रेनर्स प्रोड्यूस किए जाएं, और मास्टर ट्रेनर फिर अपने अपने इदारों में अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बाकी फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करते रहें। ठीक है सर, बहुत आपने अच्छी तरह से इस पॉलिसी को एक्सप्लेन किया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुस्तकबिल में जो हम किन किन रुझानात को देख रहे हैं अदर देन दिस, यानी कि ऑनलाइन पे हम ट्रांसफर शिफ्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन और कौन से नए ट्रेंड्स आपके जहन में हैं कि जो हो सकते हैं पॉसिबल? अभी प्रोफेसर जमील साहब एक बात आपसे कर रहे थे, और हमारे चेयरमैन साहब ने पिछले दिनों मैंने उन्हें गुफ्तगू करते हुए कहीं पे सुना, और उससे शायद आप सारे कृष्णा कुछ हद तक आगाह भी होंगे। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारे डोमेन्स में बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आई है ये टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ हवालों से आप उसके डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं अगर आप उसको देखें, जो एक बहुत बड़ी एक कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बेस पे जो एप्लीकेशंस आई हैं, जैसे चैट जीपीटी लाइक इंजन्स हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है जो जिसके अपने एथिकल चैलेंजेस भी हैं, जिसकी पॉजिटिव साइड भी है, जिसका एक चैलेंज वाला साइड भी है, और एकेडमिक्स बहरहाल उस उन चैलेंजेस से निपटा होने के लिए बहरहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज HEC भी बहरहाल इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो कॉन्सिक्वेंस है एकेडमिक एक्टिविटीज पे, प्लेजरिज्म पे, प्राइवेसी पे, इंटेग्रिटी ऑफ द एकेडमिक एनवायरमेंट्स पे, इनोवेशन की डेफिनेशन पे, रिसर्च की डेफिनेशन पे, एकेडमिक इंटेग्रिटी पे, वी विल बी डेलिब्रेटिंग ऑन दीज टर्म्स एनीवे इस वेव में। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी हो सकती है। देखिए, यू कैन बी टॉकिंग अबाउट आई मीन डिजिटल ट्विन्स ऑफ द टीचर्स एनीवे इंटरेक्टिंग विद द डिजिटल ट्विन्स ऑफ द लर्नर्स, जो बहरहाल अब एक आज की दुनिया की बात है। ये नहीं कि फिलहाल हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये एक्चुअलाइज हो रही हैं चीजें। डिजिटल ट्विन का जो कॉन्सेप्ट है, जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, वो आज एक्चुअलाइज होता हुआ हमें नजर आ सकता है कि हर लर्नर यूनिक है, हर लर्नर की लर्निंग पैटर्न्स और लर्निंग हैबिट्स डिफरेंट हैं, लर्निंग बिहेवियर्स डिफरेंट हैं। तो हम एक स्ट्रेट जैकेट रूल के जरिए से उस लर्नर को एक ही तरह से पढ़ाते हैं 50 बच्चों को अगर सामने बिठा के, तो शायद हम बहुत ऑब्जेक्टिव अपने अचीव नहीं अगर कर पाते। तो अगर हम एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकें जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग को एनेबल कर सकता हो और फिर पर्सनलाइज्ड असेसमेंट भी हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लर्निंग आउटकम्स विच यू मे हैव सेट फॉर व्हेन यू एक्चुअली प्लान टू रियली डिलीवर अ कोर्स इन एनी स्कीम ऑफ स्टडीज। सो जो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो फेस टू फेस एजुकेशन में भी बहरहाल बहुत अहम है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में मैं समझता हूँ कि शायद उसको एक्चुअलाइज करना रिलेटिवली आसान है और स्टूडेंट उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इवन अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी टीचर्स भी और लर्नर्स भी दोनों बहरहाल उससे फायदा उठा सकते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें मैंने बहरहाल एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज के साथ और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो कनाडा में है उनके साथ भी हमने कोलैबोरेट करके इस पॉलिसी पे भी उनसे इनपुट ले रहे हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रियली हैविंग अ वेरी आई मीन डायनामिकली ग्रोइंग डिस्टेंस लर्निंग फ्रेमवर्क और ओपन लर्निंग फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह वी विल गेट इट। अच्छा सर, कुछ सजेशंस हमें रिसीव हुई थी सोशल मीडिया से ही, तो उसमें मुझे भी फील हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अदरवाइज नहीं, हमारे ख्याल में एज अ स्टूडेंट वो चीजें आती हैं तो वो बच्चे पूछते हैं, तो उसमें से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ एक तो उन्होंने कहा है कि इनकरेज डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो कॉस्ट डिवाइसेज सुटेबल फॉर ODL। ये लो कॉस्ट डिवाइसेज अब स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा दे से के डेवलप ऑफलाइन लर्निंग मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज एंड एरियाज विद लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब जहां पे इंटरनेट नहीं है या पॉसिबली मुश्किल है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन मटेरियल्स जो हैं वो कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं। उसके अलावा वो चाह रहे हैं कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएं जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोचेस भी हों और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो, और इसके अलावा मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी वो चाह रहे हैं कि कुछ चीजें फैसिलिटेट की जाएं। मसलन जो ऑडियंस डिफरेंट बैकग्राउंड से होती है उन्हें बोलने में, और ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है। और स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स स्पेसिफिकली फॉर ODL प्रोग्राम्स, इसकी स्टूडेंट्स क्योंकि जो लो इनकम बैकग्राउंड से हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत इशू होता है, तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप्स या एड्स वगैरह भी स्टार्ट की जा सकती हैं। क्विक से कमेंट जी इस पे, डिवाइसेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक चीज जो शायद मेंबर साहब बात जो कर रहे थे मैं साथ ऐड करता जरूर, कल ही मेरा ख्याल है मेंबर साहब ने एक प्रपोजल हमें फॉरवर्ड किया था और HEC ने अप्रूव किया है, मेरे ऑफिस ने उसको एंडोर्स किया है, अप्रूव किया है। आप अगर गवादर और तुर्बत में फाइबर ऑप्टिक का बैकबोन लेके जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इससे रिमोट एरिया पाकिस्तान में शायद कोई और होगा। बिल्कुल। सो जो आपने बात की, HEC ने विजुअलाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पिछले 2 साल से एक पूरा प्लान के साथ ये चीजें पहले कंसीव की गई और आजकल एग्जीक्यूशन फेज पे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील साहब उसको टीम को लीड कर रहे हैं और हम उस पर्न कनेक्टिविटी के लिए जो फाइबर बैकबोन है जो पाकिस्तान में ले हुआ है उसकी एक सिग्निफिकेंट जो एक्सपेंशन है
वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जून 2024 तक, अगर सर मैं गलत नहीं कह रहा, तक मुकम्मल हो जाएगी। और ये जो रिमोट अब तुर्बत, बहरहाल एक बलूचिस्तान का हमारा बहुत दूर दराज का इलाका है, और इसी तरह से इंटीरियर सिंध में आप देखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में इवन उसकी एक्सपेंशन जो है वो जारी है। सो एक जो बैंडविड्थ का चैलेंज बच्चों को है कश्मीर में इसी तरह से है, वो इंशाल्लाह बहुत हद तक, मैं नहीं कहता 100%, बट बहुत हद तक दूर हो जाएगा। डिवाइसेस की जहां तक बात है, चेयरमैन साहब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन में है, चेयरमैन HEC, जो गवर्नमेंट की लैपटॉप स्कीम है, जाहिर है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस साल भी 1,00,000 लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी 10 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर चुकी है, जिसमें अगले साल भी बहरहाल लैपटॉप जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एक और जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें चेयरमैन साहब निगोशिएट कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंटल पार्टनर्स भी शामिल हैं, कुछ इंटरनेशनल डोनर्स शामिल हैं, जिसमें हमारा प्लान ये है कि जो बच्चा बच्ची पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो एडमिशन के साथ, उसकी एडमिशन किट के साथ, बहरहाल उसके पास एक डिवाइस भी होनी चाहिए, एक लैपटॉप या कोई स्मार्ट डिवाइस हो जिसपे वो अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखने में उसको सहूलत हो और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। दैट प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी ऑन द टेबल और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उस पर कोई बेहतर पेशरफ्त होगी। बल्कि सेइंग दिस सर, एक पिछले दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आई सर, मैं उसकी डिटेल्स मेंबर साहब से शेयर कर लेता हूँ। वो हमें 20,000 से 25,000 टेबलेट्स डोनेट करना चाहते हैं, उनके पास रखने को जगह नहीं है बुनियादी तौर पे, तो मैंने कहा यार आप हमें दे दीजिए और हम स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मेरे पुराने एक दोस्त हैं और एक इदारे के सरबराह हैं, ही हैज ऑफर्ड सर दिस फैसिलिटी, आई विल शेयर विद यू, शेयर द डिटेल्स। सो मैं कहने का मतलब यह है, देखिए कि इंशाल्लाह जब हम कोई चीज कंसीव करते हैं तो HEC में माशाल्लाह भी इतने सीनियर लोग मौजूद हैं जो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो चीजें भी कहीं रुकावट का बायस हो सकती हैं, हम अपने तई कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये तलबा तालबा, चूंकि ये ट्रू स्टेक होल्डर ये हैं, यूनिवर्सिटियां स्टेक होल्डर हैं, हमसे अगर कोई चीज मिस हो रही है, वी विल ऑलवेज अप्रिशिएट कि आप उसकी निशानदेही कीजिए और हम अपने तई जो रिसोर्सेज मुयस्सर हैं उनकी एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इंश्योर करते हुए वो रिसोर्सेज बच्चों को मुहैया करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल एड वाली जो बात है सर, डिजाइन कभी जी फाइनेंशियल एड का मैं कह दूं जी, फाइनेंशियल एड जाहिर है वो हम जनरली यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे रजिस्टर होते हैं उस पे, चूंकि उसको उस तरह से इन टोटो ऑल इंक्लूसिव देखा जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो बच्चे भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे और अगर उनके कोई तालीमी अखराजात पूरे करने में दिक्कत होगी तो HEC की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसपे बहरहाल फर्दर भी बात की जा सकती है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता कि इसमें जो कोर्सेज है उसका भी एक MOOC के नाम से, पाकिस्तानी MOOC भी एक प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन HEDP का एक प्रोजेक्ट HEC के साथ, उसी में शायद विद इन 6-7 मंथ टाइम एक वो बन जाए, ऑफलाइन मटीरियल बन जाएंगे बहुत ज्यादा कोर्सेज, टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज जो है पाकिस्तान के उसके टीचर से कोर्सेज बनवाना वो अवेलेबल होंगे सब लोगों को। तो ये भी एक ये है कि पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान ADX भी कहते, तो इट्स अ डेटिंग वेब्स ऑपरेशनल, तो उससे वो ऑफलाइन वाला। और गैजेट का तो डॉक्टर साहब ने बात किया, तो गैजेट आजकल बहुत ज्यादा ये चीपर डिवाइसेस अवेलेबल है, कई तरीके है, इंटरनेट में भी हो तो टीचिंग मटेरियल पहुंचा सकेंगे यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, कुछ वैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं जो कि फाइनेंशियल एड से रिलेटेड ही हैं, उसके अलावा इंटर्नशिप्स वगैरह वो बच्चे पूछ रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी होगा, इस तरह के कुछ सवाल आते हमें रिसीव हुए थे। और बेसिकली तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑन कैंपस ऑब्वियसली कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का और हमें इतनी इलैबोरेटिव डिटेल्स बताने का इस पॉलिसी के बारे में। एक दफा आप जरा समराइज कर दें कि ये पॉलिसी है क्या और इसका आपके नजदीक पर्सनली आप अपने उसके मुताबिक कुछ बताएं कि ये सही है या यानी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और इसका बेनिफिट्स ही हैं, ज्यादा हर चीज के बेनिफिट्स होते हैं, और आप जरा इसको एक दफा समराइज कर दें इसको। जी, जैसे बहुत शुरू में हमने बात की, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी HEC की है, हमें दुनिया के साथ बहरहाल चलना चाहिए, और आप देखेंगे कि अगले 3-5 साल में
खुसूसन टर्शरी एजुकेशन का जो मोड ऑफ डिलीवरी होगा वो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसमें बहुत टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। और ये मिसाल हमने पिछले 2-3 सालों में देखी भी है। आज भी बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, जिसमें आईवी लीग यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं, क्योंकि वो एक बेंचमार्क के तौर पे प्रेजेंट की जाती हैं। यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटियां हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमें इंश्योर करना था और करना चाहिए कि जब उस मोड ऑफ एजुकेशन में तालीमी सरगर्मियां ऑफर करने की इजाजत दी जाए तो उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को भी इंश्योर किया जाए, ताकि लर्नर्स का लर्निंग एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज ना हो, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो ये पॉलिसी इंशाल्लाह हम उसके पे खासी मेहनत कर रहे हैं HEC में और अपने बाकी स्टेक होल्डर जो यूनिवर्सिटियों के उनके साथ मुशावरत से। दूसरा उसका एडवांटेज देखिए ये है जो बड़ा नेचुरल है, जब भी हम कोई डिस्टेंस लर्निंग की पॉलिसी या ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो जो एक सबसे पहली बात हमें तय करते हैं हम इदारे के तौर पर, और ये एक लिटरेचर से साबित बात है कि हम ये तय करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करने का। तो ऑनलाइन एजुकेशन में जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो उसके ये दो ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं। पाकिस्तान एक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 13% टर्शरी एजुकेशन का, जो इवन रीजन में अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करें तो बहरा लोएस्ट है, 26% से 28% एक्सेस रेट है हमारे रीजन में भी कुछ मुल्कों का। सो इट कैन हेल्प अस इंप्रूव आई मीन द एक्सेस रेट इन द टर्शरी एजुकेशन सिस्टम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। दूसरी बात यह है कि इट एक्चुअली रिड्यूसेस एंड मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ लर्निंग एज वेल, एंड यू लर्न एट योर ओन पेस एंड एट योर ओन कन्वीनियंस एज वेल। तीसरा उसका हिस्सा इवन जो कह लीजिए लोग काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, जो सुबह 8 से 2 की कहीं इंस्टीट्यूशन अटेंड करके डिग्री प्रोग्राम्स नहीं ले सकते या इवन क्वालिफिकेशन इंप्रूव नहीं कर सकते, तो वो बहरहाल इस मोड ऑफ एजुकेशन के जरिए से अपनी तालीमी सफर जारी रख सकते हैं, अपनी इवन क्वालिफिकेशन को फर्दर इंप्रूव करके करियर्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग डिफरेंट जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अपने बहरहाल बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इस पॉलिसी के जरिए से ऑन द टॉप ऑफ इट यही है हम ये चाह रहे हैं कि जो एप्रीहेंशन है ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, लोगों के जेहन में जो खदशात हैं क्वालिटी के बारे में, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी इसमें रजिस्टर हो वो बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट हो। कोई भी बंदा जो मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे पुरानी ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ UK है, कोई बंदा वहां पे, मैं इंग्लैंड में रहा हूं, मैंने कुछ अर्सा काम किया है, कोई बंदा वहां पे ये नहीं कहता, वो PhD तक प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ UK से डिग्री की है या फॉर एग्जांपल आपने फलां रैंक फेस टू फेस मोड ऑफ एजुकेशन से डिग्री की है। फर्क सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सेम स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि उनकी कंप्लायंस होगी जब वो पढ़ाते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रियली एज आई सेड अर्लियर एज वेल दैट आई वुड और यू विल सी even in coming days, the universities would be more and more interested to offer programs in online distance learning mode instead of really offering in programs, majority of the programs in face-to-face mode, because it is more cost-effective as well. ठीक है सर, ये पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट फेज तक कब तक पहुंचेगी? चूंकि इस इनिशियल पायलट डिस्कशन के बाद जो आजकल हम यूनिवर्सिटियों से इंशाल्लाह कर रहे हैं और उसका क्वालिटी एश्योरेंस लॉ फ्रेमवर्क उसको पायलट करके हम अपने कमीशन से उसको अप्रूव करवाते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कमीशन की मीटिंग इंशाल्लाह लेट फरवरी अर्ली मार्च। हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि हम उसमें कमीशन की जो हायर एजुकेशन कमीशन का जो कमीशन स्टैट्यूटरी फोरम है जहां से ये सारी पॉलिसीज अप्रूव होती हैं उनसे हम अप्रूव करवा के वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन मार्च हम इसको इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे और फिर यूनिवर्सिटियां अपनी प्रिपरेशन का उनका अपना फेज है कि वो कब उसको मुकम्मल करके प्रोग्राम ऑफर करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो, और आपने ODL पॉलिसी यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड होपफुली ये इफेक्टिव होगी और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे इस मुल्क में जरूर एजुकेशनल सेक्टर में बहुत रिफॉर्म्स आएंगे। और सर आपकी अंडर जो गाइडेंस है वो ऑब्वियसली हर चीज मैनेज हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि HEC जो है वो फर्दर जो है वो प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द शो। व्यूअर्स, ये तो था आज का प्रोग्राम ई कचहरी। आप देख रहे थे ये प्रोग्राम लाइव ऑन हायर एजुकेशन टेलीविजन चैनल।
और लाइव स्ट्रीमिंग हमारी वेबसाइट आप विजिट किया करें hec.edu.tv.hec.gov.pk। थैंक्स, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपकी होस्ट माँ हमारे ख्वाजा, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके साथ किसी नई पॉलिसी या किसी नई इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।